मैं सोलो सोलो फोटो नहीं सोलो नहीं चलिए जॉनसन एक सोलो फोटो नहीं सोलो नहीं आप जो है जो करना है हमारे साथ ही ब्रेन की जरूरत है। अगर वो समझ ले कि एक्चुअली फेस पे रिंकल्स और डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन क्यों होते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर नेचुरल हर्ब से अगर उसके पास करने वाले फॉर्मुलेशंस हैं तो उसमें आँख का सवाल कहाँ है अमित मुझे ये बताओ। करेक्ट है सर, बात में तो बहुत दम है। अब मैं एक अलग सीक्रेट पूछना चाहता हूँ सर आपसे। तो इनका ये दावा है कि ये अपने इनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो वही फॉर्मूला है जो नूर जहां और मुमताज बेगम इस्तेमाल किया करती थीं, और उनकी खूबसूरती की बदौलत तो सबको पता है कि ताजमहल खड़े हो गए हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि कैसे? वो ऐसे कि शाहजहां एक्चुअली पिछले जन्म में मैं खुद था, तो मेरी बीवी क्या इस्तेमाल करती थी वो मुझे पता नहीं होगा, तो और किसको होगा? सर मुझे ये नहीं पता कि प्रिंसेस इंडिया 2016-17 का विनर कौन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्रिंस इंडिया कॉन्टेस्ट होता तो विनर कौन होते? डॉक्टर समीर। देखिए ऑडियंस ने भी कह दिया सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, एंड मैंने थोड़ी देर पहले इनको बताया था सबको कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और जो आप एंटरटेन करते हैं लोगों को अपनी क्वालिटी से। तो मैं तीसरा सवाल पे आता हूँ सर। तीसरा सवाल ये है कि ये तो हो गई इंसानों की बातें, सर मैंने सुना है कि आपने भगवान कृष्ण को भी यहाँ इनवाइट किया है, वो आ चुके हैं कि आने वाले हैं? एक्चुअली भगवान कृष्ण को मैंने कहा कि देखिए ऐसे हम कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल वुमन डे है, तो थोड़ी देर तो वो खामोश हो गए, फिर बोले देखो समीर क्या है, राधा मुझे प्यार करती है और मीरा भजन कीर्तन करते रहती है और ये गोपियाँ ना मुझे छोड़ती नहीं, चारों तरफ घूमते रहती है। एक्चुअली मैं खुद जो है औरत के मामले में कन्फ्यूज़ हूँ, तो जब तक कि मेरा ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा ना तब तक मैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मेरे ब्लेसिंग्स मेरे आशीर्वाद आप सबके साथ हैं। सर आपने गलत दिन उनको बुलाया ना सर, विमेंस डे के दिन आप कृष्ण जी को कैसे बुला सकते हैं? हज़ार रानियाँ हैं, कैसे एक एक रोज भी बांटेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी सर। तो ठीक है उनकी ब्लेसिंग्स पहुंच गई और शो बहुत अच्छा जा रहा है, आपका फर्स्ट राउंड फिनोमिनल था। अब ये बताइए कि आप कहते हैं कि आपने जीसस को भी बुलाया है। भाई जीसस को भी बुलाना ज़रूरी है क्योंकि जो है वो भी भगवान है, और जब मैंने उनको एक्चुअली इन्वाइट किया तो जीसस ने कहा कि देखो मैंने दोबारा ना दुनिया में आने का वादा किया है और मैं अपने वादे पर कायम हूँ, तो इंशाल्लाह जब कभी मैं दुनिया में वापस आऊँगा ना डेफिनेटली आपके हर प्रोग्राम में आऊँगा, लेकिन मेरे ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। सर उनके ब्लेसिंग्स वाकई हम सबके साथ हैं, और आपने अल्लाह को भी इस इवेंट में बुलाया है टू ब्लेस ऑल द गर्ल्स ऑफ प्रिंसेस इंडिया और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको टू सपोर्ट दिस ब्यूटिफुल कॉज। अल्लाह से पूछ कहा कि भाई आप जो है हमारे एक्चुअली इस कॉन्टेस्ट में आएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने ही तुम्हारे दिमाग में डाला है, और तुम जो कर रहे हो और आज जो कुछ भी हो रहा है मैं 24 आवर्स तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ प्यार सुकून और अमन चैन होता है हमेशा मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आमीन। सर ये तो हो गई ये
आई एम अन्नपूर्णा कौर फ्रॉम दिल्ली. कैन यू रिपीट मैम क्वेश्चन? विटामिन की पढ़ाई को क्या कहते हैं? They have given me their knowledge base. Na? Okay. Questions are all from their knowledge base. It's okay, ask her the second question. Okay. It's all right. It's all right. It's all right. These are all knowledge based questions, which they were all infection. Kaun se vitamin infection? Okay. Vitamin E? Yes. She said vitamin E. Correct. All right. Okay. Thank you. Thank you, Annapurna, and thank you, Dr. Ruchi. और उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैम यहाँ पर मेरे पेरेंट्स नहीं आए हैं तो आपने किससे पूछा कि मैं कैसे दिख रही हूँ? मैंने किसी से भी नहीं पूछा, मुझे सबने ऐसे ही बोल दिया कि बहुत अच्छी दिख रही है. तो अंदर से आपका कॉन्फिडेंस उभर के बाहर आ रहा है और आपके स्माइल में वो नजर आ रहा है. यू आर लुकिंग रियली वेरी प्रिटी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो थैंक यू अन्नपूर्णा एंड थैंक. फैशन के बारे में आपकी कल्पना क्या है? सॉरी ज्योति. गुड आफ्टरनून सर. सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट फैशन? आई फील फैशन हमेशा आपकी पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए एंड फैशन इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट एंड हाउ वी अडैप्टिंग इट. So fashion is our outlook and our even it is inner as well. It is not our outer. The fashion we have to adapt latest fashion that we are doing here. So fashion is whatever is going on in a a present world. So this is what I want. Thank you. Thank you, Jo. Thanks.